बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज एक मरतबा फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम बात करते हैं फेसबुक मोनेटाइजेशन के ऊपर कि क्यों आपके फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ है। अगर आप लोग कॉपीराइट वीडियोस को अपलोड करते हैं और आपके फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ है तो आप लोग इसको किस तरह मोनेटाइज करवाए और इस मसले को आप लोग किस तरह सॉल्व करें। तो आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट होने का रीज़न क्या है कि आपके फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग बहुत आसानी के साथ कॉपीराइट वीडियोस पर भी अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवा सकते हैं। लेकिन इसको आप लोग किस तरह अपलोड करना है कि आप लोग किस तरह फेसबुक पर वीडियो को अपलोड करें और किस तरह आप लोग फेसबुक पेज के मोनेटाइजेशन को इनेबल करें ताकि ये रिजेक्ट ना हो जाए, तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले इस तरह से वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है कि आपके फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ है। ये तो हर किसी को पता है कि कॉपीराइट वीडियो से अक्सर आपके फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है, लेकिन रीज़न इसमें क्या है? जो मेन रीज़न है वो ये है कि आप लोग जब फेसबुक पर वीडियो को अपलोड करते हैं या आप लोग फेसबुक पर वीडियो को शेयर करते हैं तो इसको आप लोग किस तरह जो है ना शेयर करते हैं। एक होता है लाइव वीडियो और दूसरा है अपलोड वीडियो। अगर आप लोग वीडियो को अपलोड करते हैं तो इस वीडियो पर फेसबुक पेज को मोनेटाइज करने में आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आप लोग अपने फेसबुक इस तरह पेज को मोनेटाइज करवाएं जिसमें आप लोग वीडियो को अपलोड करते हैं। अभी अगर आप लोग फेसबुक पर वीडियोज़ को लाइव चलाएं गो स्ट्रीम के ज़रिए या OBS के ज़रिए अपलोडेड वीडियो को आप लोग अपने फेसबुक पेज पर लाइव नशर करें तो आपके फेसबुक पेज में कोई भी मसला नहीं होगा और आपके फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। तो यही मेन रीज़न है जब आप लोग अपने फेसबुक पेज पर कॉपीराइट वीडियोस को अपलोड करते हैं तो इसका मेन रीज़न ये है कि अपलोड वीडियोस से आपके फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ है। अगर आप लोग कॉपीराइट वीडियोस को अपने फेसबुक पेज पर लाइव चलाएं तो आसानी के साथ आपके फेसबुक पेज का जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आप लोग फेसबुक से बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। तो जब आप लोग फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपने फेसबुक पेज पर लाइव वीडियो स्टार्ट करें। लाइव वीडियो से अपने फेसबुक पेज का क्राइटेरिया कम्प्लीट करें, चीला क्वेश्चन टाइम भी कम्प्लीट करें। अगर आप लोग क्राइटेरिया अपलोड वीडियो से कम्प्लीट करें ये कोई मसला नहीं है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दो बात बताई कि अगर आप लोग फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग मोनेटाइजेशन से पहले अपने फेसबुक पेज पर लाइव वीडियो स्टार्ट करें। दूसरा बात यह है कि जब आप लोग अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवाएं तो इसके बाद आप लोग वीडियोस को अपलोड करें, कोई मसला नहीं है। 3 मिनट से लंबे जितने भी वीडियोस हैं इसको आप लोग अपलोड करें और फेसबुक से आप लोग हज़ार और ज़्यादा कमा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो अगर फिर भी आप लोगों को फेसबुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो पर कमेंट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे फेसबुक का लिंक मौजूद है। आप लोग मेरे साथ फेसबुक पर कॉन्टैक्ट करें या आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले इस तरह से वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।